25 के मैं पैसे जमा करवा दूँ, 70% आप नर्सरी में उतने ही पौधे लगाएंगे जो मेरे सोन डिस्ट्रिक्ट की डिमांड आएगी। आपकी प्रॉब्लम हल नंबर दो कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वायरमेंट लें, वो पौधे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाने चाहिए ताकि वो किसान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मिले। अगर आपको मेरी राय लगती है और मैं आपकी कोई सेवा, मैं फ्री सेवा दूंगा, मैं रिटायरमेंट आती हूँ आपकी सेवा में ना फ्री सेवा करूंगा, मुझे 6 जिले दे देने, अगर आपके पौधे नहीं पहुंचाएंगे मैं पहुंचाऊंगा। आपने मेरे को रिक्वायरमेंट और ये सोनी चाहिए कि इतनी डेट को आपकी रिक्वायरमेंट है, कौन सी वैरायटी की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ दे, और 50% उन पौधों का पैसा जमा हो जाना चाहिए ताकि वो पौधे खराब ना हो। धन्यवाद आपका। सर एक और बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है, 1-2 घंटे लेट हो जाते हैं, मगर जैसा आपने मेरे मुंह की बात छीनी है कि जब यहाँ किसान आए, आपके एशिया में सबसे बड़ा परमार साहब ने हमारे को देन दी है हिमाचल को, एक ऐसी नुमाइश लगनी चाहिए जो किसानों से संबंधित वो चीज़ें जैसे कैंची है और कटिंग है आपके लिए। और एक मैं और राय दूंगी कि इसको जैविक बना देना चाहिए पूरी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये आज हमारे हिंदुस्तान की जरूरत है कि हम लोग जो ये जितनी स्प्रे कर रहे हैं इससे हमारी एज 17% घट गई है, तो ये जैविक हो जाए तो भी। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रश्न उत्तर का जो सेशन जारी रहेगा, ऐसा ना जो असली कार्यक्रम है वो रुक जाए बीच में। मैं एक अनाउंस करूंगा पहले, तो आप जो टोकन का चाहने का है वो बता दीजिए, वो अपना कर लें, क्या है थोड़ा सा अनाउंस कर दें और मैं आपका भी जवाब देता हूँ। इस किस्म की सिर्फ 2-3 किस्मों की प्रॉब्लम है से है, वो सभी आपके लिए यहाँ बैठा है पहली कतार में और जो लास्ट में बैठा है, ये नहीं कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा दी तो आपका नंबर पहले आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। टोटल जब आ जाएगा तो देखो सही खेतों में
देखना जी 40 शायद आपके सेब है ना, और 40 सेब है ना जी, और जी 20 नींबू, 40 20 60 70 80 सबको दे रहा हूं because ज्ञान उसमें लाइट है ना।